दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रेक किड्स चैनल में। मैं हूं मानव। मैं हूं सैनाथ। तो आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। क्या आपको पता है, इंडिया म्यांमार को अपनी एक स्ट्रॉन्गेस्ट सबमरीन देने वाली है। और इसी के साथ आज हम इस वीडियो में देखेंगे दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट सबमरीन और पावरफुल सबमरीन्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। सबमरीन को सैल्यूट करते हुए, ये म्यांमार की नेवी और इंडियन नेवी है, क्योंकि दोस्तों आज भारत ने अलाइन कर दिया है कि म्यांमार की नेवी को हम INS सिंधुवीर रशियन किलो क्लास की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सबमरीन आज हम म्यांमार को देने जा रहे हैं। इस सबमरीन की क्या खासियत है और आखिरकार इंडिया क्यों ये सबमरीन को फ्री ऑफ कॉस्ट म्यांमार को दे रही है, और आखिरकार क्यों ये नेवी इतनी घातक होने जा रही है भारत के साथ मिलकर, और इसी के साथ मिलकर हम देखेंगे कि किसके पास ज्यादा सबमरीन्स हैं और किसके पास सबसे ताकतवर सबमरीन्स हैं, और इसी के साथ जानेंगे कि क्यों ये सबमरीन आज दुनिया में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भारत के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का। तो दोस्तों, इस सभी के बारे में आज हम देखेंगे। अभी चलते हैं गूगल मैप पर, और ये है हमारा प्यारा सा इंडिया, और यहाँ है हमारा पड़ोसी और प्यारा देश म्यांमार। अभी दोस्तों, म्यांमार के पास एक भी सबमरीन नहीं है, लेकिन इंडिया के पास तो ज़्यादा सबमरीन्स है, इसलिए इंडिया उनमें से एक सबमरीन म्यांमार को दे रही है। इसीलिए, क्योंकि बस आप यानी कि म्यांमार चाइना के साथ मत मिलिए और एक लिंकेज स्थापित मत कीजिए, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस भी। और चलते चाइना को एक मार्क देने के लिए इंडिया ने म्यांमार को ये सबमरीन देने का अलाइन किया है। और यह सबमरीन कौन सी होने जा रही है दोस्तों? यह सबमरीन के बारे में बताया गया है कि यह सबमरीन INS सिंधुवीर, जो कि रशियन किलो क्लास की सबमरीन थी, वो देने का अलाइन किया है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 45 डेज तक पानी के अंदर रहकर वॉर कर सकता है। और इसकी दूसरी खास बात है कि ये 19 किलोमीटर पर हर के स्पीड में चलता है, और इसके साथ ही इसकी जो कैपेसिटी है वो 45 डेज की है, और इसके साथ ही इसके अंदर 52 पीपल को अंदर बिठा कर वॉर कर सकती है या जपेजी जा सकती है। दोस्तों, इस सबमरीन को 1988 में इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था। और दोस्तों, म्यांमार के पास एक भी सबमरीन ना होने के कारण, और म्यांमार जिस तरह से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी डोमिनेंस रखता है, उस डोमिनेंस को देखते हुए भी म्यांमार को ये सबमरीन दी गई है, क्योंकि म्यांमार को भी एंटी टेररिस्ट बनाया जा सकता है। और दोस्तों, क्या यह सबमरीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है या कॉस्ट से दी गई है या पेमेंट ली गई है? दोस्तों, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सबमरीन फ्री ऑफ कॉस्ट भारत म्यांमार को दे रही है। और यह सबमरीन बहुत पुरानी भी हो गई थी तो इसे भारत फ्री ऑफ कॉस्ट में दे सकती है, और ये म्यांमार के लिए भी एक अच्छी पहल है। म्यांमार के लिए ये इसलिए अच्छी पहल है क्योंकि जिस देश के पास एक भी सबमरीन नहीं है, उस देश के पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट सबमरीन आना बहुत ही बड़ी बात है। तो दोस्तों, अभी बातें करते हैं दुनिया के सबमरीन के काउंट्स के बारे में। दुनिया में सबसे ज़्यादा सबमरीन किसके पास है? अगर आपको इसका आंसर पता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सबमरीन रखने वाला देश चाइना है। चाइना के पास करीब 76 सबमरीन्स हैं, और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा सबमरीन चाइना के पास ही है, ना ही अमेरिका, ना ही रशिया, ना ही नॉर्थ कोरिया। और दूसरे नंबर पर जो देश है वो है नॉर्थ कोरिया, जिसके पास 75 सबमरीन्स हैं, यानी कि सिर्फ एक सबमरीन कम चाइना से। और अमेरिका के पास तकरीबन
71 सबमरीन्स हैं और वो भी बहुत अलग है, क्योंकि यूएसए के पास ज़्यादातर पावरफुल सबमरीन्स हैं, यानी कि मिसाइल सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स और काफ़ी सारे। और दोस्तों, इसी के साथ रशिया की बात करें तो रशिया के पास 59 सबमरीन्स हैं। हालांकि दोस्तों, आपका ये भी जानना ज़रूरी है कि आज भारत के पास कितनी नंबर की सबमरीन मौजूद है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत के पास आज जो सबमरीन्स की संख्या है वो लगातार घटते ही जा रहे हैं, और वो ज़्यादा भी नहीं है। और आज भारत को सबमरीन की संख्या बढ़ाना चाहिए। हालांकि इसी के चलते आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत के पास जो एक न्यूक्लियर अटैक की सबमरीन है, दो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, एक सबमरीन है और 15 कन्वेंशनल सबमरीन्स आज भारत के पास है। और दोस्तों, इसकी टोटल होती है तकरीबन 18 सबमरीन्स। तो अभी हम देख लेते हैं कि किसके पास सबसे ज़्यादा डेंजरस और ताकतवर सबमरीन्स हैं, और सबसे ज़्यादा डेंजरस सबमरीन्स बनाने वाला जो कंट्री है वो है रशिया। रशिया की सबमरीन पूरी दुनिया में मानी गई है कि रशियन सबमरीन्स जैसा घातक कोई भी नहीं है। हालांकि दुनिया में सबसे लंबी सबमरीन भी रशिया के पास ही है। रशिया की दिमित्री डोंस्कोई नाम की एक सबमरीन दुनिया में सबसे लंबी सबमरीन है, 175 मीटर्स की है। रशियन सबमरीन्स कितनी घातक होती हैं ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में भी बहुत सारे ऐसे कारनामे देखने को मिले रशियन सबमरीन्स के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसे लगी लाइक और कमेंट करके बताइए, और म्यांमार को ये सबमरीन दी गई है इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर चैट कीजिए।